हेलो फ्रेंड्स, एनटीएससी का फॉर्म बिल्कुल आई थिंक इस वीक में निकल जाएगा। तैयारी रखें आप, ठीक है? इस वीक में निकलना ही है, राइट? और तैयारी आपने चालू कर ही दी है, क्योंकि एनटीएससी पे मैं बहुत सारे अपने वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप सब लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। मैं बता चुका हूँ कि इसके दो पेपर होते हैं, एक मेट और एक सेट। आज हम मेट की बात करेंगे। 100 क्वेश्चंस का है ये, 120 मिनट्स मिलेंगे। और मेट कहते हैं एनटीएससी में वही बच्चा निकलता है जिसका मेट बहुत अच्छा होता है। क्लियर? मेट में वर्बल नॉन वर्बल बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन फिर मैं आपसे बताता हूँ कि क्योंकि आप अपनी 10th क्लास की तैयारी भी साथ में कर रहे हैं, तो मेट को कैसे करें, मेट की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार बता देता हूँ। 100 क्वेश्चन से 50% पेपर है मेट का, और न केवल 50% पेपर है बच्चों, बाकी एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपको एनटीएससी को क्रैक करना है लेवल 2 तक, तो मेट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंड नंबर 2, आप मेट के लिए किसी कोचिंग की भी जरूरत नहीं होती है। छोटी सी गाइडेंस मिल जाए या यूट्यूब के वीडियो को आप देखना चालू कर दें और मेट के जो अलग अलग पार्ट से उनको समझ लें, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि मेट को कैसे तैयार करें। देखो, मेट को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक तैयारी आपके पास भी चाहिए। उसमें सबसे पहली तैयारी, आप रेडी रहिए कि मेट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अलग अलग टीचर्स के, लेक्चरर्स के और हमारे भी अवेलेबल हैं। उन वीडियो को आपको डेली आधा घंटा देखना है। क्लियर? हमने आपको बता दिया था एनटीएससी वंस इन ए लाइफ, कीप इन माइंड, किसी भी बच्चे के जीवन में एक ही बार एनटीएससी दे सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। क्लियर? आपको पहली बात के यू आर नेशनल टैलेंट, और आपको सैल्यूट करने के लिए दे विल प्रोवाइड यू स्कॉलरशिप टिल योर पीएचडी। तो इसलिए ये बहुत जीवन का सबसे बड़ा आपका एक फेस्टिवल होना चाहिए एनटीएससी को देना। लेकिन तैयारी करके दोगे तो इसका मजा ही कुछ अलग होगा। तो मैं जो कहने वाला हूँ मेट की तैयारी के लिए, उसमें सबसे पहला आपको यूट्यूब वीडियो, अब समय कम है, 30 मिनट्स 40 मिनट्स पर डे आपको मेट के लिए प्योरली देखना है। नंबर 2, आप किसी के भी देख सकते हैं, मेरे भी देख सकते हैं। नंबर 2, आपको मार्केट में मेट की प्रैक्टिस बुक मिलती है, उसको ले आनी है, और उसमें सारे सेक्शंस के साथ मेट के क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे अल्फाबेट, आप समझ गए ना, A, C और D। तो मिसिंग क्या हुआ आपसे पूछेंगे, तो B हो गया क्योंकि एक छोड़ के था D, फिर E हो गया, फिर एक छोड़ के था F। बहुत आसान सा है। तो ये अल्फाबेट के हो गए, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नंबर सिस्टम होता है, नंबर्स पे आते हैं, रिलेशंस पे आते हैं, ब्लड रिलेशंस पे आते हैं, सिंबल पे आते हैं, मिरर इमेज पे आते हैं, क्लोप पर आते हैं। तो ऐसे देखिए, बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी रिसर्च की हुई है, क्योंकि ये मेट का एग्जाम कोई आज नहीं हो रहा है, ये 1965-63 से एग्जाम हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं इतने सालों में बहुत रिच हो गया। इसके बारे में जानकारी नेट पे अवेलेबल है और आप मेट कर सकते हैं। लेकिन मैं तो जो बात बता रहा हूँ अलग है, मैं कह रहा हूँ आप खुद भी मेट को कर सकते हैं। बुक ले आइए, उसमें अलग अलग सेक्शन होंगे और सोल्व प्रॉब्लम्स को देखिए। वंस यू गो थ्रू द सोल्व प्रॉब्लम, क्योंकि एग्जाम में जो आती है और किताबों में दे रखी है, उसमें बड़ा गैप होता है। कई बार बहुत टफ प्रॉब्लम किताब, क्योंकि किताबों को तो किताबें बेचनी है, किताब वालों को, तो वो उसमें ऐसी प्रॉब्लम डालते हैं, इतनी मोटी बनाते हैं, तो ना मोटी किताब को पढ़ना है ना कुछ, अपने को तो सोल्व एग्जाम्पल्स देखने, ताकि अपने दिमाग में सारी के सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब आप क्या करेंगे, मेट में क्वेश्चन आ गया कि 9 o'clock पर एंगल अगर 90 डिग्री का है, तो 9:15 पे एंगल क्या होगा, डेफिनेटली ये 9 o'clock है, तो 9 o'clock पे आपके 90 डिग्री का हुआ है, तो 9:15 मतलब ये हो गया कितना, हो गया 180। बात बहुत क्लियर हो गई। तो ऐसी प्रॉब्लम आप देखें, मैंने देखा है मेट लेवल पर जो प्रॉब्लम करनी है, वो जितने बच्चे अपने सेल्फ से करते हैं उनको ज्यादा सक्सेस मिलती है। हाँ, कुछ चीजें समझ में आ जाए इसके लिए कुछ गाइडेंस आप यूट्यूब से ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, मेट की प्रैक्टिस रोजाना 30 मिनट्स आपको करनी है। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस की, तो यकीन मानिए आप लेवल 1 जो स्टेट लेवल का होता है, वो तो आप ऐसे चुटकियों में निकाल देंगे, और लेवल 2 थोड़ा सा टफ होता है, तब आपकी उसमें बहुत टाइम मिलता है, तब आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है लेवल 1 के मेंटल एबिलिटी के लिए
कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। 45% 43% पे आप इसको क्रैक करके लेवल टू में चले जाएंगे। जब लेवल टू की बात आए तब आप उसकी कोचिंग करिए। तो आज से आप मेट को चालू करेंगे, एक बुक परचेस कर लेंगे, यूट्यूब के वीडियो देखेंगे, 30 मिनट्स पर डे वीडियो देखने, 30 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस में सोल्व प्रॉब्लम्स को करनी है, फिर कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हो तो वो करनी है। बहुत ज़्यादा बहुत 4-5 घंटे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम एंड फोकस ऑन